भी हौसला रखती, आभाओं में भी होठों पर मुस्कान बरकरार होती, वह तो औरों को भी उनकी क्षमता का बोध कराने वाली शक्ति है। जन्मदात्री है वह, तभी तो जानती है पीड़ा में कितना सुख है। कैसे कह दूं थक गई हूँ मैं, जाने किस किस का हौसला हूँ मैं। नारी की कर्मठता को सभी ने स्वीकारा है, आज तो घर के दायित्वों के साथ साथ दफ्तर के 8 घंटे भी उसकी इस कार्यशैली में शामिल हैं। फिर भी कदमों में गति, होठों पर मुस्कान लिए उसका यह सफर जारी है। प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा है, स्त्रियों के भीतर छिपी परिवर्तनकारी ऊर्जा हर परिस्थिति से लोहा लेने की उनकी क्षमता ही तो भारत भूमि को स्वर्ग बनाती है। किंतु आज परिस्थितियों में बदलाव आया है। आज वह पुरुष की अनुगामिनी नहीं सहगामिनी है, स्वयं सिद्धा है। भूमंडलीकरण के दौर में नारी के प्रति सकारात्मक नजरिया तो बना है, किंतु वह वस्तु से व्यक्ति अब भी नहीं बन पाई है। इसके लिए स्वयं में सकारात्मक होना जरूरी है। लेखन में यह अभिव्यक्ति आज स्पष्ट देखने को मिलती है। जब तक स्वयं के प्रति वह सकारात्मक न होगी, तब तक सब कुछ बेमानी है। उसका बड़ा सकारात्मक पहलू यह है कि उसने ना बोलना सीख लिया है। चाहे सवाल सम्मान का हो, या वैवाहिक पसंद नापसंद का, या स्वयं उसकी देह के भोग का। लघु कथा ना का मतलब ना में काम वाली पति के मुंह से शराब और सिगरेट की दम घोटू दुर्गंध से भिन्ना कर उसे गरीब आने से स्पष्ट मना कर देती है। स्वर्गीय जगदीश असमानी की लघु कथा उजाला में नायिका कहती है, मैं सोहनी या नीर की तरह नहीं जो कच्चे घड़े पर चढ़ बैठूं, मैं 20वीं सदी की स्त्री हूं, मेरे अंतस में आग भी है, उजाला भी है। किशनलाल शर्मा की लघु कथा इज्जत की नायिका कम्मो मंत्री द्वारा इज्जत के बदले देह की कीमत 2 लाख दिए जाने पर वह कहती है, ये रुपए मेरी कोई भी इज्जत नहीं दिला सकते, सो मेरे किस काम के। चैतन्य त्रिवेदी की लघु कथा संबंध दिए जाते हैं, स्त्री खालिश स्त्री नहीं जी सकती, खालिश स्त्री को पुरुष से नहीं बचाया जा सकता, किंतु अब स्त्री ने या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता जो महज तथ्य में थी, व्यवहार में इसे साबित कर अपनी पहचान स्वयं बनाई है। रूढ़ी तथा परंपरा और द्वंद्व से उभरने की क्षमता उसमें आई है। कभी सास ललिता पवार शशिकला के रूप में ख्यात थी, आज उसने अपनी छवि को बदला है। इससे संबंधों में जुड़ा हुआ है, बेटी ही नहीं बहू के विकास के लिए भी वह तत्पर है। ज्योति जैन की लघु कथा भूमिका, अपर्णा गुप्ता की आय लगी इसका बेहतर उदाहरण है। कमल चोपड़ा की लघु कथा छिपा हुआ दर्द जो आज बहुएं महज खलनायिका के रूप में अपनी छवि पा रही हैं, वहां कथा की नायिका बहू जब अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने सास ससुर को खुश न देखकर उसका कारण जानती है कि उन्हें उनका आना पसंद नहीं है, इसलिए वे दुखी नहीं है, बल्कि आव भगत की क्षमता उनमें नहीं है। घर में केवल मक्के का आटा और कल का बासी साग रखा हुआ है। इस पर बहू कहती है, माँ जी हम शहर से गांव आए ही इसलिए हैं कि मक्के की रोटी आपके हाथों की बनी मक्के की रोटी खा सकें, और उसके साथ आप घी और मक्खन मत लगाइए, हमें डॉक्टर ने मना किया है खाने को, और अगर कल का बासी साग मिल जाए तो आनंद आ जाए। तो इस तरह बहुओं का दृष्टिकोण भी परिवार के प्रति बदला है। मिथिलेश दीक्षित जी की कथा कंकड़ी में माँ को भाभी के साथ दुर्व्यवहार कर भी देख लड़की खुद कहती है, जब माँ उसे कहती तेरा ब्याह हो जाए तो मैं गंगा में डुबकी लगा लूं, तो बेटी कहती है एक डुबकी इस नाम की भी लगा लेना कि आप भाभी के साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं। तो इस तरह की छवियां आज स्त्री ने बदला है। मुहावरा जिंदगी का, बच्ची एक महज छोटी सी बच्ची एक सवाल करती है कि माँ चूड़ी पहनना एक मुहावरा है जो कमजोरी की निशानी है, फिर भैया के जाने के बाद जब भाभी की चूड़ियां उतरी तो उसे बेचारी क्यों कहा गया। तारिक असलम तस्लीम की माँ बहू द्वारा सतत कोसे जाने पर
दुखी होकर मोहल्ले में डंका नहीं पीटती बल्कि बहू को समझाती है, बहू बच्चों के सामने इस तरह का व्यवहार मुझसे न किया कर, ऐसा ना हो कि कल को तेरे साथ भी ये घटनाएं घटने लगे। तो इस तरह वो कहकर अपना मन का बोझ हल्का कर देती है। श्याम सुंदर दीप्ति जी की लघु कथा सांवली, जिसमें बेटे द्वारा बहू का अंतर जातीय विवाह और एक सांवली लड़की को ब्याह कर लाने पर माँ उसकी कसर अपनी सांवली पोती पर आए दिन निकालती रहती है, तब बहू सास से लड़ नहीं पड़ती, मोहल्ला नहीं गुंजाती, न महाभारत मचाती है, बल्कि सास को बड़े प्यार से कहती है, आपका बेटा बड़ा लायक है, बड़ा समझदार अच्छा इंसान है, ये निश्चित रूप से आपके पालन पोषण का परिणाम है। माँ गर्व से फूल जाती है, तभी बहू धीरे से अपना तीर छोड़ देती है। माँ जी आप ही की तरह दुनिया में और भी माएं होंगी, उनके भी बेटे होंगे जो आपकी पोती को ब्याह लेंगे, आप चिंता न किया कीजिए। हमारी सारी सोच सारी कल्पना जीवन को लेकर है, अतः जीवन से बाहर कोई कल्पना मानस पर अंकित हो जाए संभव नहीं है। साहित्य जीवन का दर्पण जो है, जीवन में यदि सकारात्मकता है तो निश्चित ही साहित्य में परिलक्षित होगी। आज की शिक्षित स्त्री ने अपनी सूझबूझ से न केवल अपनी अपने परिवार अपने तो समाज की सोच को भी बदला है। मेरी ही एक लघु कथा है घरानों की परंपरा, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर इतना पसंद किया गया कि दिल्ली ऑल इंडिया से भी मुझे फोन आया कि हमें आपकी लघु कथा आप ही के शब्दों में रिकॉर्ड करना, और कई भाषाओं में इसका रूपांतरण हुआ है, जिसकी कथा वस्तु है कि द्रौपदी जो शहर आज के परिप्रेक्ष्य में है कि शहर में जब वो महिलाओं का स्वर सुनती है तो अपनी दासी से पूछती है कि ये स्वर कैसा आ रहा है, तो उन्होंने कहा बाहर महिलाएं नशा मुक्ति और जुए के खिलाफ विरोध कर रही हैं। तो उन्होंने कहा वो जैसी जिस हालत में बैठी थी उसी हालत में बाहर महल के बाहर निकल पड़ती है, तो युधिष्ठिर देखते उसको रोकते हैं कि महारानी कहाँ जा रही है उस तरह। तो बाहर उन्होंने कहा नगर की महिलाएं शराबबंदी पर और जुए पर विरोध कर रही है, तो तुम्हें उससे क्या लेना। वो कहती है महाराज जुए का और नशे का जितना दुष्परिणाम मैंने झेला है शायद ही किसी ने झेला हो। और ये परंपराएं बड़े घरानों से निकलती है और इसका बंद होना जरूरी है, और इस तरह वो जाकर उन महिलाओं की अगुवाई में खड़ी हो जाती है। तो इस तरह की लघु कथाएं आज आवश्यकता है। एक लघु कथा का जिक्र करूंगी जो मुझे बहुत पसंद है, आप बहुत गौर से सुनिए। छोटी सी मैं उसको एक सार बता रही हूँ कि प्रतीक शैली में अशोक शर्मा जी की लघु कथा है संस्कार। गांव की शब्द देखिए प्रतीक शैली में है। गांव की पत्नी जब पति से कहती है गाय हरी होना चाहवे है, पति का जवाब है शाम को बाग वाले सांड के पास ले जाएगा। पत्नी कहती है यो पाप अब ना होने दूंगी कि मैं गैया अपने ही सांड बेटे से सामने से उसके पति की जवान सौतेली माँ का प्रवेश। ये कथा को बहुत दिमाग में इतनी गहरी चोट देती है अगर आप इसको सुनेंगे। इसी तरह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कविता एक लघु कथा महिलाओं की जो सोच है, कहीं अनकहीं फौजी की ग्रामीण पत्नी पति सरहद पर है, जब वहां पर पड़ोस का एक व्यक्ति सरहद पर जाता है जो खुद भी फौजी है, तब वो एक पल को अपना दुखड़ा सुनाती कि पति तक अपनी बात पहुंचाऊं कि मैं किस समस्या से जूझ रही। वो कहती है आपके जाने के बाद दादा बीमार हो गए, सासू माँ की ये हालत है, बेटा बीमार है, गाय मर गई, खेत में पानी गिर गया, अचानक उसको ध्यान आता है मैं क्या कर रही हूँ। बोली नहीं भैया जी आप तो उनसे ये कुछ मत कहिए, वो सीमा पर गए हैं देश की खातिर, बाधा होगी, आप तो बस इतना कहिए सब कुशल है आपका इंतजार। तो ये महिलाएं देश की सीमा के लिए प्रतिबद्ध हैं, अपने देशन में बदलते समय शिक्षा आर्थिक स्वतंत्रता बाहरी परिवेश में उसने बोध लगाया है। बेटी बहन पत्नी माँ से अलग ही उसकी अपनी एक पहचान है, स्वतंत्र सत्ता है, उसका हुनर उसकी पहचान है। अब वह घर बाहर दोनों के पास देखती है, आज उसने स्वयं को इतना सशक्त कर लिया है कि जीवन के दुख की कठिन धूप उसके मनोबल को तोड़ नहीं पाती, जीवन के घात प्रतिघात उसके कदमों को जकड़ते नहीं है बल्कि उन परिस्थितियों में भी बेहतर सृजन को प्रेरित करते हैं। आज की नारी महज कल्पना के भीड़ में विश्राम नहीं करती, जीवन की पथरीली राहों का भी अनुभव देती है। निवेदिता श्रीवास्तव की टॉनिक, जिसमें बेटी अवसादग्रस्त माँ के इलाज के लिए उसकी डायरी में उसका इलाज पोती की माँ को कभी गीत का शौक था जो कर्तव्य के बीच में दबकर रह गया, वो वही माँ के उसी हुनर को उसकी शक्ति बनाती है। कुसुम पारिक की वामपंथी नेहा अग्रवाल की अलविदा
सरला मेहता की मेरे पापा बन जाओ, शोभना श्याम की बड़ी बहन जिसमें एक किन्नर परिवार की बड़ी बेटी है और उसको उचित सम्मान परिवार में मिल रहा है, दर्शन जैन की बेटी हो तो ऐसी, राघव दुबे की मैं भी तो बेटी हूँ एक बार 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 कहती है आर्थिक अभाव के लिए नौकरी की है, तन नहीं बेचा है, प्रेमना गुप्ता की चमगादड़, पति की निरंकुशता से डरती पत्नी ने जब पति को चमगादड़ से डरते देखा तो उसने न केवल चमगादड़ को घर से बाहर निकाला, उसके अंदर जो डर की चिड़िया बैठी थी उसको भी बाहर निकाल दिया। कन्या हरलता की प्रतिदान पौराणिक कथा यशोधरा पर पुनः लेखन है कि छोड़कर गए हुए पति को पुनः हृदय स्थान में स्थान नहीं देती क्योंकि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है। इसी के साथ वसुधा जी की स्पेस जीवन के प्रति सकारात्मक भाव ऋचा करपे की यू नेवर नो, अनघा जी की एहसास, सारिका भूषण की ममता, संध्या तिवारी की चिड़िया उड़, कमल कपूर उनका तो सारा लेखन ही मुझे लगता है सरस्वती का वरदान है क्योंकि सारी कथाएं सकारात्मकता की ओर जाती है। डॉक्टर शिव कौशिक की रिक्शा वाला औरत विपरीत परिस्थितियों में समाज के प्रति आशा का सूरज जगाती है, जो स्वयं को साबित करने की दौड़ में भाग रहे उन्हें ये लघु कथाएं जिंदगी का फलसफा सिखाती है, भागना ही जिंदगी नहीं है, इसीलिए स्पष्ट कहा है कि उन्हें कामयाबी में सुकून मिलता है, उन्हें कामयाबी में सुकून मिलता है इसलिए वे दौड़े जा रहे हैं, हमें सुकून में कामयाबी मिलती है इसलिए हम ठहर जाते हैं। साथियों उद्धरण और भी है लघु कथाओं के किंतु समय सीमा है, वसुधा जी पीछे खड़ी है, निसंदेह युग परिवर्तन के इस प्रभाव में नारी जीवन में भी परिवर्तन हुए हैं, अतीत की तंग अंधेरी गलियों में निकल कर उज्ज्वल और गौरवमय भविष्य की ओर उसने कदम बढ़ाए हैं, उसके सकारात्मक तेवर से न केवल घर परिवार अपितु समाज के वातावरण में बदलाव आया है, भविष्य में सुखद और सुसंस्कृत समाज की कल्पना साकार हुई है, यही यात्रा अनवरत रहे, हमें रुकना नहीं है क्योंकि कुछ तो बात है अच्छाई में जो अकेले भी लड़ती है, अंधकार जितना गहरा हो एक बाती भारी पड़ती है, एक बाती भारी पड़ती है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।